आज हमनी के सुर संग्राम के मंच पे एगो इतिहास बने वाला बाटी, एक वैसन इतिहास जोना खातिर हमनी के धन्यवाद दहल जाई, जोने खातिर हमनी के धन्यवाद दहल जाई। और आज हमनी के सुर संग्राम के दबंगन के बीच कुछ असली दबंग आ रहल बड़े। खान परिवार के दूगो सितारा हमनी के एगो बिहार के सनसनी के लेके आज मंच पे आई तो इतिहास जिंदा हो जाई। दबंग शब्द, ओह दबंग शब्द के इतना जिंदा करे खातिर अरबाज भैया हम आपके बहुत धन्यवाद देता नहीं, लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। पहले मैं आप लोगों को सबको थैंक करूंगा हमको सुर संग्राम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमनी के 30 करोड़ लोगन के बीच में जाए वाला इस चैनल से हम आप लोगन के जे दिखा रहल बनी हमरे जो अगल बगल जितना लोग खड़ा बने, आप जाना तो नहीं आज हम कितना पावर में बनी। रवि भाई, रवि किशन जी, हमनी के कल्पना जी, हमनी के मालिनी जी, ये तीनों न्याय मंडल और हमनी के साथे साथे जो 11 गो दबंग सुर के खिलाड़ी बड़े भैया, ये सब बहुत दबंग बड़ा सन गुल देख ही रहे एकदम दबंग। हमनी की ओ नाम से आज तक हमनी के कितना उड़त रहनी जा, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी और पूनम भाभी मिलके एगो इतना बड़ा सितारा दिए हमनी के, हमनी के सोच भी नहीं करनी जा। नमस्कार कहना चाहूँगी, ये मेरा पहला शो है जो कि भोजपुरी में मैं करने वाली हूँ। बात तो नहीं करूँगी बट सुनूंगी और समझूंगी एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आकर। थैंक यू। मलाइका जी, मुन्नी बदनाम हो गिलवा डार्लिंग। क्योंकि मुन्नी बदनाम हो गए ऐसे आप बोलेंगे तो थोड़ा डर लगता है फिर। बदनाम तक तो फिर भी ठीक था, झंडू बाम हो गई। मुन्नी बदनाम भइल डार्लिंग तोरे खातिर। एगो लाइन वो जो आपने सलमान भाई के साथ जो कहा था वो डायलॉग प्लीज, मैं खुद सुनना चाहता हूँ और आपके जो जितनी फैंस अब हैं सब सुनना चाहते हैं। सिर्फ ये बस आप लोगों के लिए है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। जोरदार ताली। और हम प्रार्थना करते नहीं अपने 30 करोड़ भोजपुरी भाषी लोगों से देश दुनिया में कि हमनी के दबंग के ऐसन ओपनिंग लग जाए कि सारी दुनिया के आंख फटल जाए। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और उसी पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। अब हम सीधे सीधे अपने जस्ट आप लोग से अनुमति लेके और अपने आदरणीय दबंग के टीम से अनुमति लेके आपके ही बता के कि हमनी के जो सुर के दबंग बाड़ा सनाज, इनकर नाम यूपी के शान, ई लोग के नाम बिहार के आन, एकरा में से जे भी गाना गाए आई सर ओकरा के आप लोग के नंबर देवे के बा। आप लोग तीनों लोग मिलके ना 40 में से कितना नंबर दे सकीला दे देव जा। सो जोरदार ताली से स्वागत करें जा उत्तर प्रदेश के शान देवरिया के सुभा मिश्रा जी के सुर के दबंग दबंगन के नाम। हाँ गए चढ़ले जो बहाने
हो गई। हम सीधे चलत बनी अरबाज सर के पास, मलाइका जी के पास और सोनाक्षी के पास कि आप लोग इनका के कितना नंबर देव जा कैसन लागल। आपके बारे में सुना है कि आप हर गाना बड़े दबंगई से गाते हैं और एकदम जोश वाला गाना गाते हैं, सॉफ्ट रोमांटिक गाने बहुत कम गाते हैं, तो आज भी वही देखने मिला। तो ऑल द बेस्ट, आपने अच्छा गाया एंड बीच में हम पॉइंट्स देंगे, इनका क्या कहना है सुन लेते हैं। मलाइका जी आपके कैसन लागल इनका गाना? बहुत मजा आया, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने गाया। अब बस यही बाकी है कि इनको कितना, मतलब कितने मार्क्स देना पड़ेगा डिसाइड करके हम बताएंगे। सोनाक्षी जी, ये इतना कह सकते हैं यूपी की शुरुआत तो बड़ी दबंगई से हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत पावरफुल वॉइस है आपकी, बहुत अच्छा गाया आपने। 30 तो ये तीन जज में से एक लोगन के चहबूत नंबर बतावल जा सकेला, के कर बताई? कल्पना दीदी। कल्पना जी आप अपन नंबर बताई? 29। दबंगल के टीम देलस 30 और रेगुलर जज कल्पना जी देली 29। और ये नंबरिंग के बाद एक घमासान में भोजपुरी संगीत के महासंग्राम में जो दबंगई चल रहा बटे ओकरा में हम लेब एक छोटा सा विराम। सुबह के बाद और कोई आई लेकिन मत बोली आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार। देख रहल बा दबंगई के अंदाज में ही घमासानी जहान, सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। आज बॉलीवुड के सबसे चर्चित फिल्म के तीन लोग यहाँ उपस्थित बाड़े, ओकरा में तीनों खास बाड़े और सबकर अपन अपन महत्व बा। हम एह महायुद्ध के आगे बढ़ावत बुला रहल बानी अपने बिहार के आन के अगला महायुद्धा जितेंद्र कुमार। चाल में भी दबंगई, सुर में भी दबंगई, आज तोहरा के हम अपने हवाले ना अरबाज सर के हवाले कर दे। बॉडी में तो पावर दिख रहा है, अभी आवाज में कितना है वो देख लेते हैं। दबंगई तो हमरे खून में बा भैया, पूरे बिहार के। देख के तो हर मस्त जवानी जियरा बस में नहीं खे रानी मारा दाड़ू छत पर से जा। प्यार के मौसम तू
अच्छी जवन तोहरा में रस नहीं छेना खोआ मलाई में स्वर में कितना दबंग गई बा तोरे लय में ताल में कितना दबंग गई बा एक रे खाते हम सीधे चलब दबंग के टीम की तरफ। जितेंद्र क्या बात है, मजा आ गया। एक तो आपका गाना, एक तो आपका स्टाइल, एक तो आपका परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं जब आप स्टेज पे कोई चीज परफॉर्म करते हो। एक एक आर्टिस्ट में ये सारी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, एंड यू हैव ऑल, यू वर फैंटास्टिक, एंटरटेनिंग, मजा आ गया। आप तो बिहार की आन शान बान भी बन सकते हो और बहुत जल्दी बन जाओगे। अभी बिहार का इस वक्त पल्ला भारी है इस वक्त, क्योंकि थोड़ा बिहार चढ़ गया ऊपर। मलाइका जी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बस अभी मार्क्स देने के लिए मैं तरस रही हूँ यहाँ पे, बस वो कह दूँ मैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है 40 में से 37 देना चाहिए। बिहार की आन के जितेंद्र के मिलल बड़े 37। तीन को जज में से केकर नंबर जानल चाहब? आज हम मालिनी दीदी के नंबर जानना चाहते हैं। नंबर हमारी तरफ से 32। 40 में 32 और कल्पना जी के नंबर और रवि जी के नंबर तोरा कभी नहीं बतावल जाई, कहें कि यही नंबर के आधार पे पता चली कि तू भंवर जाल में फंस जाइब या तोहर गाड़ी निकल जाई। चल के अपने कुर्सी पर बैठ जा और इंतजार कर अपने आगे के। यूपी के शान के तरफ से बुला रहा बनी हम आज दबंगन के महफिल में मंगला सलोनी जी के। जवानी बड़ा सोर हो जाला, हैरान
इनका क्या आप नंबर देही? उससे पहले हमारे मन में एगो सवाल बा, एक लड़की अपन कैरियर शुरू कर रहा बिया और एक आदमी अपने सफलता के सोपान पे चरम पे, तो कैसन लागल उनका संगी कंकर? सलमान अरबाज और अभिनव के रूप में आई थिंक मुझे टीचर्स मिले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया मुझे, ऐसा बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया कि मैं न्यू कमर हूँ। बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरे लिए और आई थैंक यू। अरबाज सर, आप एक भाई के रूप में कितना गौरवान्वित हैं सलमान भाई पे? मुझे गर्व फील होता है कि सलमान खान इस दुनिया के सबसे मतलब चाहते, हिंदुस्तान के सबसे चाहते जो कलाकार हैं, आदमी हैं, वो मेरे घर में हैं और वो मेरे भाई हैं, तो इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ। और मलाइका जी के पास हम चलेंगे इसके लिए कि क्या नंबर इस बच्ची के लिए? हमने डिसाइड किया कि 40 पर हम इनको 34 देंगे। और इस 34 के साथ हमनी के मंगला सलोनी जी के स्वर में दबंगई के एहसास हो रहा बटे, केकरा से नंबर जानल चाहबो तीन जज में से एक? मालिनी मैम से। मंगला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज ये गाना चुना, गुजरे दौर की याद आई और आप पे गाना बहुत सूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 34। और मंगला सलोनी जी, चल के अपने कुर्सी पर बैठा, खुश होकर कल्पना जी और रवि जी के नंबर बाद में पता चले। तो अब हम बुला रहा बानी अपने बिहार के आन के तरफ से जाहिद भाई के। हसके लुभावा जानी जिया तरसावा, बिन बत्ती मोहब्बत के जर जाही रे, जर जाही रे, जर जाही रे। ए बॉबी, ए बॉबी, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे। ब्यूटी से भरल लगावा, ब्यूटी से भरल लगावा, देख के दोरी हमरा, ब्यूटी से भरल लगावा, गोरी हो जान तुम्हारे लो, ब्यूटी से भरल लगावा, गोरी हो जान तुम्हारे लो, देख के लोगवा पिताबा नैना से पान तुम्हारे लो, तोहर रूप सिंगार गोरी का चरक था, बिन छुरी करे जा उतर जाई रे, उतर जाई रे, उतर जाई रे। ए बॉबी, ए बॉबी, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे। मोहब्बत के जर जाई रे, जर जाई रे, जर जाई रे। ए बॉबी, ए बॉबी, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे। ई सोचले रहिया कि तीन लोगन में से एक लोगन से नंबर जान सकेला, लेकिन जेकर नंबर पक्का पता चली वो आज हमनी के दबंग के टीम बाटे। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इससे पहले दो दो कंटेस्टेंट्स आए, मतलब यूपी की लड़कियों ने प्यार मोहब्बत की सुरीले गाने गाए और अपने बिहार के लड़कों ने पटाने वाले गाने गाए। उनको मैंने नोटिस किया, एक बोल रहा है कैसे मैं लड़की को उतर के नीचे आ, तेरे को पटाना है, एक बॉबी तूने ऐसा कर दी, बत्ती जला दी, ये क्या चक्कर है भाई? तुम लोग बहुत लड़कियों को पटाने में लगे रहते हो ऐसा लगता है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी पटाने वाले स्टाइल को आप? हम तो पटाने वालों के साथ ही है। अच्छा। अभी तक तो यूपी और बिहार की दबंगई में हम देखना चाहते थे कि कौन ज्यादा दबंग है, अभी तक
बिहार ने यूपी में इतने छेद किए कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से ले और पौधे कहां से। जाहिद लेकिन बहुत मजा है, मतलब मैं देख रही थी यहाँ पे सब लोग उठ गए, डांस कर रहे थे, मतलब एकदम मजा ले रहे थे। तो उसी के हिसाब से हम आपको पॉइंट्स भी देंगे। सोनाक्षी, व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा गाया आपने एंड पॉइंट्स हम आपको देना चाहेंगे 35। तीन लोगों में से के का नंबर जानना चाहबो? मालिनी मैम से। मेरी ओर से आज आपके लिए मार्क्स हैं 31। बड़ी मस्त माहौल बा। हमनी के थीम बा दबंग, और दबंग लोगन के आइटम सॉन्ग तो बहुत पसंद होला, और हमनी के बीच में तो आज एगो हिंदुस्तान के बड़ी चर्चित आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा खान भी बैठल बड़ी। तो हम बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के मनोहर सिंह के। से पड़ल पानी पीछा आ गइल दस पूरा भइल ना इच्छा। 2008 से पड़ल पानी पीछा आ गइल दस पूरा भइल ना इच्छा। रोहतानी बड़ा परेशान ये जान कहीं हिम्मत जुटा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। 2008 से पड़ल पानी पीछा आ गइल दस पूरा भइल ना इच्छा। रोहतानी बड़ा परेशान ये जान कहीं हिम्मत जुटा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। देदी हली हम दिल हो देदी हली हम दिल हो। माह जनवरी में तोहरा के देखते देदी हली हम दिल हो देदी हली हम दिल हो। मन मंदिर के बना लिहल रानी रहे हम लगली गील हो रहे हम लगली गील हो। फरवरी में कह नहीं पवनी मार्च में मन मारी रही गली कि तले अप्रैल में आयल इम्तिहान कही कहली कसमसा के होता हमरो जवानी जिया मुअब अब फसरी लगा के। मन मन दिर के बना लिहली रानी रहे हम लगली गील हो रहे हम लगली गील हो। फरवरी में कह नहीं पवली मार्च में मानी मारी रही गैली तल अप्रैल में आयल इम्तिहान रही गैली कसमसा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। हम तोरे खातिर चलब सीधे पहले मलाइका जी के पास। किसके लिए गाना गा रहे थे? भैया ने बोला हाँ। कि यूपी के तरफ से कोई प्रपोज या कुछ ऐसा बोले थे हाँ, तो अच्छा, बड़ा दिल को लग गया था। अच्छा अच्छा, इसलिए हम तीनों तीनों लोग को बोल रहे थे पारी पारी। अच्छा ये बात है। तीनों लोग को तो बोल रहे थे बट एक ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी आपसे। वो कौन है? वो अब उन दोनों के बीच की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी। इन तीनों के बीच की बात है, हमको नहीं मालूम। आपको हमने डिसाइड किया कि 33 पॉइंट्स देंगे लेकिन 2 पॉइंट्स आपके वो अटैक का देंगे, तो बेसिकली 35 पॉइंट्स देंगे आपको। एकर मतलब कि दबंग भी दिलदार होले, 2 नंबर बढ़ गए। और तीन आदरणीय जज लोगन में से कोई एक व्यक्ति के नंबर आपके जाने के अधिकार बांटे, आप केकर नंबर जानना चाहो?
रवि व्यास जाना चाहता हम नंबर तरह के देता नहीं 34 सो मनोहर बाबू जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ जय हो। अब हम अपने उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के आन के तरफ रुख करतनी जोरदार ताली से स्वागत करे के झारखंड के खुशबू के